हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएसएल लिमिटेड कंपनी के बारे में, फास्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। इस जो कंपनी है, तो ये कंपनी का पैरामीटर हम सर्च करेंगे, देखेंगे, और उसका पैरामीटर एनालिसिस करने के बाद में चार्ट पैटर्न भी एनालिसिस करेंगे। उस बेस पे कंपनी को देखेंगे कि कंपनी में क्या खरीदारी बन रहा है या तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी सारा फ्रेंड्स ये स्टॉक में भी बाइंग करके रखे हुए हैं। तो अभी स्टॉक में जिस हिसाब से गिरावट चल रहा है, स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में से निकाल देंगे या तो फिर होल्ड करके चलना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उस बेसिस पे वो स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर ये कंपनी का बारे में बात करेंगे, ये जो कंपनी है फास्ट सोर्स लिमिटेड इज द लीडिंग प्लेयर इन बिजनेस बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री, बीपीएम इंडस्ट्री में काम करता है। और कंपनी का अगर हम देखेंगे, इनका क्लाइंट बेस अगर देखेंगे, तो ये जो कंपनी का क्लाइंट बेस है, इनका बैंकिंग सेक्टर है और फाइनेंस सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर और कम्युनिकेशन और मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सेक्टर में क्लाइंट बेस है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 100+ ग्लोबल क्लाइंट है फ्रॉम 36 डिलीवरी सेंटर। तो इनका क्लाइंट यहाँ पे यूएस में भी है, यूके में भी है, फिलीपींस में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया में अगर हम देखेंगे इस हिसाब से की पॉइंट्स में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से 52% का रेवेन्यू आता है, और यहाँ पे 25% का जो रेवेन्यू आता है यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर से आता है, और कम्युनिकेशन मीडिया सेक्टर से 20% का रेवेन्यू आता है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो मार्केट कैप है फ्रेंड्स, यहाँ पे 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका पी अभी 22 पे चल रहा है। अगर आरओसी की बात करेंगे, यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, तो यहाँ पे 15.6 है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 53.2% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। तो यहाँ पे करंट प्राइस अभी ये स्टॉक में चल रहा है अभी 159, स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 243 ऑल टाइम हाई है। तो प्रमोटर प्लेस भी यहाँ पे जीरो है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे 0.42% है। अगर कंपनी का बुक वैल्यू की बात करेंगे 42 है, कंपनी का अभी ट्रेडिंग हो रहा है 159 पे। डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पे 1.89% का डिविडेंड यील्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डिविडेंड यील्ड है तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कभी भी हम डिविडेंड यील्ड के लिए कोई भी स्टॉक को हम बाय नहीं करते हैं, ठीक है। डिविडेंड यील्ड एक पोर्शन होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस स्टॉक में, या तो फिर बाइंग करके रखते हैं। उस टाइम पर अगर हमारा पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक रहता है, तो उसी टाइम पर हमें डिविडेंड मिल जाता है। हम कोई इंटेंशनली कोई भी स्टॉक हम डिविडेंड के लिए हम बाइंग नहीं करते हैं। डिविडेंड तो उनको जो लॉन्ग टर्म में है, कोई भी स्टॉक में अगर अपना पोजीशन बना के चलते हैं, उनको बहुत बेहतरीन फायदा होता है ये डिविडेंड से। डिविडेंड भी उनको बहुत बढ़िया सा इनकम देता है, तो उनको डिविडेंड इन्वेस्टमेंट भी वो कर सकते हैं, ठीक है। और हम तो स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर में हमें कभी कभी डिविडेंड भी मिल जाता है जब उस टाइम पे हमारा पोर्टफोलियो में स्टॉक होता है। तो यहाँ पे 2% करीबन यहाँ पे डिविडेंड है। ये स्टॉक के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियली पैरामीटर जब हम देखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स, तो अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे सेल्स में तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। लास्ट 4 क्वार्टर में 5,742 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। उसका पिछले अगर हम मार्च 2020 की बात करेंगे, यहाँ पे 4,099 करोड़ का देखने को मिला था। अगर मार्च 2019 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 3,826 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया सा ग्रोथ हमें नजर आ रहा है सेल्स में। अगर इसी हिसाब से हम प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया से नजर आ रहा है। यहाँ पे 340 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ था। उसके बाद में यहाँ पे मार्च 2021 को अगर देखेंगे, 362 करोड़ का यहाँ पे नजर आया था। लास्ट 4 क्वार्टर में यहाँ पे 437 करोड़ का प्रॉफिट नजर आ रहा है, और स्टॉक ने बहुत बढ़िया से यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिखाया। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 10 साल में स्टॉक ने 34% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में 46% का रिटर्न दिया है। 1 साल में स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे 82% का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अगर इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे रिजर्व भी बहुत बढ़िया से यहाँ पे ग्रोइंग हो रहा है। तो रिजर्व में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2,030 करोड़ का रिजर्व था, यहाँ पे 2,072 करोड़ का रिजर्व हुआ, उसके बाद में 2,103 करोड़ का रिजर्व है, यहाँ पे 2,274 करोड़ का रिजर्व है। तो रिजर्व के हिसाब से अगर हम बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग यहाँ पे 1,200 करोड़ का अभी बोरोइंग है। अगर इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे
एफआईआई के पास में 9.6% का होल्डिंग है, और यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ा सा यहाँ पे माल सेल किया है, ठीक है। यहाँ पे 10.6% था, यहाँ पे 9.6%, मतलब 1% का स्टेक यहाँ पे सेल किया है एफआईआई ने। अगर इसी हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डीआई के पास में यहाँ पे 1% का स्टेक राइज भी हुआ है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे 1% जो है यहाँ पे कोटेक महिंद्रा ट्रस्ट के, तो इसी हिसाब से अगर हम इसी हिसाब से देखते हैं यहाँ पे पब्लिक के पास में 19% का स्टेक है, तो यहाँ पे अदर में 2% का स्टेक है। तो फ्रेंड्स इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं ये स्टॉक में फंडामेंटल तो बढ़िया नजर आ रहा है, फंडामेंटल में कोई इतना ज्यादा इश्यू नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे आज के दिन का ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया है, आज के दिन में यहाँ पे 32% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 45 लाख क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, और 14.8 लाख क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट कब आ रहा है, यहाँ पे 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के साथ में डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि डिविडेंड का भी डेट उसी 4 तारीख का डेट पे है, डिविडेंड भी कुछ अनाउंस हो सकता है स्टॉक में, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में टेक्निकली थोड़ा सा वीक दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक में देखिए यहाँ पे 100 डे 200 डे सब मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक बिल्कुल आ चुका है। अभी यहाँ पे एक बार यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज जब ब्रेक किया, उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ से जब रिवर्सल दिखाया उसके बाद में फिर से वीकनेस आया, ठीक है। मार्केट गिरने के साथ में ये स्टॉक में भी वीकनेस नहीं आया, फिर से यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे स्टॉक में, आरएसआई बिल्कुल बिलो 30 के है, नीचे आ चुका था, 26 आरएसआई आ चुका था। अभी जो आरएसआई का क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे 38 पे हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, फ्रेंड्स ये स्टॉक को सेल मत कीजिए, क्योंकि ये जो पैटर्न जहाँ पे बिल्ट होता है ना, ये सब कंसोलिडेशन में है, यहाँ पे एक्युमुलेशन भी होता है, ठीक है, ये सब एक्युमुलेशन भी होता है। अगर आपको ये स्टॉक में थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, ये स्टॉक में से अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिया में थोड़ा सा पोजीशन बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स ये स्टॉक में आप बिल्कुल ये लेवल तक अचीव हो सकता है, इजीली अचीव हो सकता है। ये जो लेवल है ना, अगर आप यहाँ तक पोजिशन बनाते हैं, यहाँ से लेके ये कुछ दिनों में ये आपका टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। तो 33% का गेन जो है ये आपको मैक्सिमम 3 to 6 months में ये आपका टारगेट अचीव करा सकता है, ठीक है। ये जो कंसोलिडेशन जोन होता है ना, ये बहुत जल्दी ये आपका कंसोलिडेशन जोन को अचीव कराता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आप यहाँ से पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे जो एक्युमुलेशन हुआ है, तो ये टारगेट जो है बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, 206 का टारगेट है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये स्टॉक में आप फिर भी बने रहेंगे 1 साल तक, अगर ये स्टॉक में आप टाइम दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट भी आपका अचीव हो सकता है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 206 और नेक्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा ये स्टॉक में है 242। 242 तक अगर इस स्टॉक में आप बने रहेंगे आपको 56% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। लेकिन वही ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें जिनको रिस्क लेने का ठीक लगे, क्योंकि ये जो आईटी स्टॉक है काफी तेजी में बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे कुछ दिन तक हो सकता है कंसोलिडेशन चलेगा, ठीक है, हो सकता है 1 साल तक भी कंसोलिडेशन रह सकता है, उस टाइम पे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी स्टॉक में आप पोजीशन बना लेते हैं, स्टॉक आप सोचते हैं कि इमीडिएटली भागता जाएगा, ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं है, जैसे हम सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा सिचुएशन पे है, आप अगर थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, अगर 1 साल का अगर टाइम फ्रेम देंगे आपको ये 56% का गेन मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे 6 months का टाइम देंगे आपको 33% का गेन मिल सकता है, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी स्टॉक में आपका 5% से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बल्कि अगर आपके पास में टाइम है तो 3% भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आपका 3% इन्वेस्टमेंट है एक स्टॉक में, अगर 1 साल भी लेट भी हो जाए, अगर कंसोलिडेशन भी चले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, जब स्टॉक इतना जल्दी भागता है ना, उस टाइम पे कभी कभी कंसोलिडेशन चल सकता है, ये एक मेन प्रॉब्लम है। देखिए स्टॉक जब यहाँ से कोरोना के बाद में स्टॉक ने जब यहाँ से पोजीशन लिया है, 25 रुपीज का स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल 241 तक जा चुका था। तो इसका मतलब ये स्टॉक ने जब 900% का रिटर्न दिया है,
483 डेज में, मतलब 1.5 साल में जब इतना बड़ा रिटर्न दे चुका है स्टॉक, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, तो इस चीज को हमें बिल्कुल मानना पड़ेगा, इस चीज को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा सेम सिचुएशन हुआ था यहाँ पे इंडिया मार्ट में, अगर किसी का पोर्टफोलियो में है स्टॉक, अगर ये कहीं लेवल पे बाइंग करके फंसे हुए हैं, मैं उनको वही बोल सकता हूँ कि स्टॉक को आप होल्ड कीजिए, आपको अपना टारगेट जरूर अचीव हो सकता है, कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कभी भी मोमेंटम में आप बाय मत कीजिए स्टॉक को, स्टॉक हमेशा भागते जा रहा है, अगर आप ऐसे आप बाय करेंगे कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज के पास में बाय करते हैं तो इतना आपको रिस्क नहीं है, यहाँ पे देखिए 200 डे मूविंग एवरेज ये लेवल है ना, ये लेवल पे आपने बाय किया ना, तो आपको क्या रिस्क है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया, स्टॉक कितना परसेंट नीचे आया, 11% नीचे आया, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोमेंटम में कभी भी बाई कर लेते हैं 2-5-4-5% का प्रॉफिट के लिए, लेकिन उस टाइम पे अगर आप ट्रैप हो जाते हैं ये जो लेवल है, तो यहाँ से देखिए आप कितना परसेंट नीचे आ चुके हैं, 24% नीचे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे भी कोई अगर ट्रैप हुआ होगा तो उनको क्या अभी लग रहा होगा। तो इसीलिए आप मोमेंटम में कभी भी एंट्री मत लीजिए, स्टॉक जब वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ जाता है तभी एंट्री लीजिए, बढ़िया सा मुनाफा आपको हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं, अगर आपको डीमैट अकाउंट आपके पास में नहीं है, या तो फिर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है, ये मेल आईडी में मुझे मेल कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो, या तो फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इसी हिसाब से मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो में जरूर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में वीडियो अपना फ्रेंड सर्कल में भी जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उनको भी एक अच्छा सा स्टॉक के बारे में एनालिसिस मिल जाएगा। और वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।